जो टॉपिक अभी हम कर रहे हैं, दिस टॉपिक नेम इज कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। टॉपिक का नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या डिफरेंस है दोनों में? फर्स्ट वी विल सी कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैसे आइडेंटिफाई करना है वेदर दिस एक्सपेंसेस कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, एनी एक्सपेंस इनकर्ड वाइल परचेजिंग फिक्स एसेट्स एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब अगर आप कोई भी फिक्स एसेट्स खरीदते हैं और वो फिक्स एसेट्स खरीदते हो कुछ भी एक्सपेंस होता है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी। फॉर एग्जांपल, आपने एक 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी और एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ मशीनरी वी पेड 20,000 रुपीज एज ए कैरिएज। तो वो कैरिएज आपको अलग से शो नहीं करना है, वो कैरिएज का जो खर्चा है वो मशीन के कॉस्ट में ही ऐड होगा। तो मशीन का कॉस्ट 10 लाख प्लस 20,000 कैरिएज, टोटल 10 लाख 20,000 माना जाता है। तो मतलब ये हो गया कि मशीन खरीदते वक्त या कोई भी एसेट्स खरीदते वक्त, फिक्स एसेट्स खरीदते वक्त कुछ भी एक्सपेंसेस होती हैं तो वो एक्सपेंसेस कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट होती है। फॉर एग्जांपल, आपने मशीनरी सॉरी मोटर कार खरीदी सेकेंड हैंड 4 लाख की और उस पर 1 लाख रिपेयरिंग पे और पेंटिंग पे खर्च किया तो मोटर कार का कॉस्ट हो जाता है 5 लाख। तो वो 1 लाख रुपये जो आपने रिपेयरिंग पे या मैं रिपेयरिंग पे या कलर पे जो खर्च किया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बट मान लीजिए आपने मशीन ये सॉरी मोटर कार खरीद के काफ़ी टाइम हो गया आपको और उसके बाद आप उसको रिपेयर के लिए देते हैं, उस पर कुछ रिपेयर के लिए कुछ खर्च करते हैं, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। इट विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर ओनली व्हेन इट इज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। ओके, देन द सेकेंड पॉइंट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट काफ़ी साल तक चलता है, 10-15-20 साल के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने बिल्डिंग खरीद ली है, बिल्डिंग जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है, तो नेक्स्ट 20-25 ईयर्स तक के लिए आपको बिल्डिंग खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मशीनरी हो गया, मोटर कार हो गई, फर्नीचर हो गया, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर के पार्ट हैं। ये एक बार आपने परचेस कर लिया, इन पे एक बार आपने खर्च कर लिया तो नेक्स्ट 10-15-20 ईयर्स तक आपको इन पे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो इसका बेनिफिट जो है काफ़ी लंबे साल तक चलता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इट इज़ नॉन रिकरिंग इन नेचर, जैसे कि अभी सेकेंड पॉइंट में था, बार बार होता नहीं है, एक बार हो गया अब नेक्स्ट 15-20 ईयर्स तक नहीं होगा। इसका ड्यूरेशन भी काफ़ी लंबा होता है, सॉरी इट इंक्रीजेज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। मतलब मान लीजिए कोई थिएटर है जिसपे 1000 ऑडियंस की कैपेसिटी है बैठने की, आपने वहाँ पे कुछ खर्चा करवाया और कैपेसिटी 1200 ऑडियंस बैठ सकती है, 1200 लोग एक साथ उस थिएटर में बैठ सकते हैं, तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। अगर आप कोई भी खर्च करते हैं जिससे कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आता है, प्रॉफिट बढ़ता है आपका, तो वो एक्सपेंस को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट करेंगे। जैसे कोई मशीन है और वो मशीन का कोई पार्ट आपने चेंज किया जिससे कि मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई, तो वो जो मशीन पे आपने खर्च किया है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। नेक्स्ट इस तरह की एक्सपेंडिचर नॉर्मली बैलेंस शीट में आती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर सारे के सारे बैलेंस शीट में आते हैं। तो ये 5 पॉइंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर के। ठीक है, अब हम सेकेंड पे आते हैं, सेकेंड इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच इनकर्स टू कीप द बिजनेस इन नॉर्मल वर्किंग कंडीशन। बिजनेस को चालू रखने के लिए, बिजनेस को वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए जो खर्चे होते हैं वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गए। फॉर एग्जाम्पल, रेंट हो गया, सैलरी हो गई, इनके अगर आप ये एक्सपेंसेस पे नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता है। बिजनेस को चालू रखने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो भी खर्चे होते हैं वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। रेंट, सैलरी, वेजेस, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, ये सब खर्चे आपको डे बाय डे में करना पड़ता है, रोज आपको ये लगते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन, बिजनेस को नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए जो भी आपको खर्च करना पड़ता है उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। देन द सेकेंड पॉइंट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट होता है वो काफी लंबे साल तक नहीं होगा, इट विल बी मैक्सिमम टू मैक्स 1 ईयर। जैसे रेंट है तो आपने रेंट पे क्या होगा तो 1-2 बेनिफिट 1 साल की होता है, अगली बार आपको फिर करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड पॉइंट, इट इज रिकरिंग इन नेचर, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, बार बार करना पड़ता है, एक बार पे किया दोबारा अगले महीने फिर पे करना है,
तीन चार महीने में, एक महीने में या एक साल के अंदर आपको बार बार ये खर्चे करने पड़ते हैं। इससे आपकी कोई अर्निंग कैपेसिटी नहीं बनती है। इट डजेंट इंक्रीजेज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, जिससे फर्स्ट पॉइंट में था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिर्फ बिजनेस को नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए होते हैं, जिससे आपका प्रॉफिट वगैरह पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल आपने रेंट पे किया तो आपका प्रॉफिट इंक्रीजेस नहीं होगा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट में ही आते हैं, ये बैलेंस शीट में कभी नहीं आएंगे। ठीक है, सो ये हमारा कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का फर्क था। ओके, थैंक यू।